हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। कैसे हो दोस्तों, क्या मौज हो रही है। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डमी फ्लाइट टिकट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे मुझे इसके रिगार्डिंग मैसेजेस आते हैं। और मेरा अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैं आप लोगों को, तो डमी फ्लाइट टिकट्स ने मेरे बहुत ज़्यादा पैसे सेव करे भाई ट्रैवलिंग में। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ ट्रैवल कर ली है, और अगर डमी फ्लाइट टिकट्स का ऑप्शन मेरे पास नहीं होता तो मेरे बहुत पैसे लग जाते। क्योंकि एक बार में जब आप मल्टीपल कंट्रीज़ को आप ट्रैवल करते हैं तो डमी टिकट का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर आपके लिए। सो दोस्तों, डमी टिकट एक्चुअली में होती क्या है। डमी टिकट एक टिकट ही होती है, रियल टिकट होती है विद PNR के साथ में होती है। PNR उसमें जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क उसमें इतना होता है कि वो कुछ टाइम के बाद में वो PNR ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। मतलब आपके टिकट कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी जाती है, और उसके बाद में अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी टिकट फिर से रिलीज़ हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं डमी टिकट। और ये आप डमी टिकट्स ट्रैवल पर्पज़ के लिए डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी वीज़ाज पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जब ट्रैवल करते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ और बोर्डिंग के टाइम पे वो आप लोगों से रिटर्न फ्लाइट टिकट्स मांगते हैं तो आप इसको ज़रूर दिखा सकते हैं। yatra.com से पहले आप फ्री में टिकट्स ले सकते थे, वो PNR के साथ में टिकट होती थी, वो कुछ टाइम के लिए टिकट होल्ड हो जाती थी फ्री में। लेकिन जब मैंने चेक किया ये, तो ये ऑप्शन अब नहीं है yatra.com के पास। पहले Emirates भी फ्री में डमी टिकट देती थी, आपका इतिहाद एयरवेज देती थी, yatra.com देती थी। देर वर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री के अंदर डमी टिकट्स उठा सकते थे, होल्ड टिकट्स को उठा सकते थे। लेकिन इस समय ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। जो भी कंट्रीज़ ट्रैवल करिए, मैं हमेशा ही डमी टिकट के साथ ट्रैवल करता हूँ। और दोस्तों, मैंने हर जगह, मैंने इवन जब मैं आते समय इंडिया से यूरोप आ रहा था, तो मैं इंडिगो से, मेरी फ्लाइट थी इंडिगो इंडिया टू मस्कट, और उसके अंदर मैंने इंडिगो को ही इंडिगो की डमी टिकट दिखाई थी। एंड दे सेड ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतिहाद एयरवेज की डमी टिकट। फिर मैंने जब मैं कतर जा रहा था, ओमान से मैं कतर गया था, तब मैंने इतिहाद एयरवेज को इतिहाद की ही डमी टिकट दी थी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सो इस समय सवाल आता है कि इस समय आप कहाँ से फ्री में डमी टिकट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय फ्री में कहाँ से ले सकते हैं ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। दोस्तों, मैं कहाँ से डमी टिकट लेता हूँ, मैं जो डमी टिकट लेता हूँ वो मेरे ट्रैवल एजेंट से लेता हूँ, और वो मुझे देता है 600 इंडियन रुपीज़ में वन वे की, और जो वन साइडेड जो डमी टिकट होती है वो देते हैं। सो ये तो पक्का है कि आप डमी टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है डमी टिकट में। और वीज़ा अप्लाई करते समय भी आप डमी टिकट लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सो आप लोग इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और कोई भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको पता हो कि कहाँ से कोई वेबसाइट है जो फ्री में डमी टिकट दे रही है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरे लिए भी बहुत हेल्प होगी ये। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम मैग्डीबर्ग जर्मनी।